अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच एस सी प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हमने बॉश IG1 की एलिमेंट नंबर 4.2 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट। लास्ट वीडियो में हमने जो है एक्सीडेंट्स को डिस्कस किया था कि एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्सीडेंट्स को किस तरह इंसिडेंट्स को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब हमारे पास हादसात इन्वेस्टिगेट तब होंगे जब उससे पहले उनकी रिकॉर्डिंग होगी या उनकी रिपोर्टिंग होगी। जब कोई भी एक्सीडेंट, जब कोई भी हादसा कहीं पे भी वो रोनमा होगा उससे वो रिपोर्ट किया जाएगा। सबसे पहले जब वो रिपोर्ट किया जाएगा तो वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड में आ जाएगा और रिकॉर्ड में आने के बाद जाके फिर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है वहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन का। तो हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिपोर्टिंग को। रिपोर्टिंग बेसिकली हमारे पास प्रोसेस है इन्फॉर्मिंग का। रिपोर्टिंग भी बेसिकली ड्यूरिंग रिपोर्ट हम क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्म कर रहे होते हैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ को दैट एक्सीडेंट हैज़ बीन अकर्ड, कि कोई हादसा हो चुका है, कोई नियर मिस हो चुका है, कोई इंसिडेंट हो चुका है, हम उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जनरली हम ऑक्यूपेशनल फील्ड से बाहर निकल के अगर बात करें, हमारे साथ कहीं पे कोई भी हादसा रोनमा हो जाता है, हम उस हादसे के लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जाते हैं किसके पास, हम पुलिस अथॉरिटी के पास हम जाते हैं। जब हम पुलिस के पास हम जाते हैं तो पुलिस के पास जाने के बाद हम अपनी रुदात बयान करते हैं उन्हें और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे साथ ये हादसा रोनमा हुआ है और इसके बारे में हमारी जो है रिपोर्ट लिखी जाए। जब हम उन्हें जो है हमारी जो बातें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम उनसे शेयर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, वहाँ पर वो रिपोर्टिंग होती है और जो अपने पास वो लिख रहे होते हैं उसके बरक्स वो उनकी होती है रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पर। अब इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब भी कोई भी हादसा रोनमा होता है तो उन हादसा को क्या किया जाता है, प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाता है। अब उस रिपोर्टिंग के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, किसी का ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम हो सकता है, किसी का फिजिकली उनके रिटन कोई फॉर्म हो सकते हैं, कोई परफॉर्मा हो सकते हैं उनको फिल करके हो सकता है, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के थ्रू हो सकता है, तो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स हो सकते हैं, बट जनरली जो है रिपोर्टिंग हम वहाँ पर करते हैं। अब दो चीज़ें हमारे पास आती हैं रिपोर्टिंग में, एक होती है इंटरनल रिपोर्टिंग और एक होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग से मुराद जो है कि नाम खुद बता रहा है कि वो रिपोर्टिंग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको किया जाए, किसी भी मसले के बारे में रिपोर्ट किया जाए तो वो कहलाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल रिपोर्टिंग, क्योंकि वो उसके इंटरनल्स के अंदर तक ही जो है मुहित है। जब कोई भी चीज़ जब ऑर्गेनाइजेशन की जो है इंटरनल से निकल के जो है बाहर आ जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो मौजूद लोग हैं, मिसाल के तौर पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जब उनको किसी चीज़ के बारे में हम रिपोर्ट करते हैं तो वो हमारे पास कहलाती है फिर एक्सटर्नल रिपोर्टेशन कहलाती है। वो हम एक्सटर्नली रिपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों को हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। रिपोर्टिंग के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है रिकॉर्डिंग। हम जब भी किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड। जैसे मैंने आपको बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका तरीकाकार जो है, उनका पैटर्न जो है डिफरेंट हो सकता है। इधर उनका पैटर्न अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन भी अगर आप एक फॉर्म फिल करके तो उसको रिपोर्ट करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो रहा होता है साथ साथ। अगर आप एक फॉर्म है आपके पास रिटन में अगर आपने फिल करके वो सबमिट करना है तो इन दैट केस फिर भी आपके जो है प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है और रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो हेल्पफुल होगी आपके लिए फ्यूचर के लिए। किस तरह से हेल्पफुल होगी कि एक तो हमने प्रीवियस उसमें टॉपिक में ही पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन में कि वो हमारे पास जो है वहाँ पे बेसिकली हमारे हॉटस्पॉट का पता चल रहा होता है, हमें ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स का पता लग रहा होता है कि किस जो है वहाँ पे सेक्शन में, किस डिपार्टमेंट में हमारे पास हादसा का नंबर जो है वहाँ पे ज़्यादा है। अब सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि भाई कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो जो है एक्सीडेंट्स होते हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे होते। हम ये देखने को मिलता है अब निबोश की आपका एग्जाम भी जब आता है तो एग्जाम में आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं रिपोर्टिंग के बारे में। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो रही होती, तो किस वजह से रिपोर्ट नहीं हो रही, कौन से ऐसे बैरियर्स हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग न होने के लिए, तो बैरियर्स को डिस्कस करते हैं वहाँ पे। सबसे पहला जो बैरियर है हमारे पास जिस वजह से जो है इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट नहीं होते वो है जी अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो वर्कर्स को पता ही नहीं होता उस चीज़ के बारे में, उनको प्रॉपरली जो है वहाँ पे इंडक्शन नहीं प्रोवाइड की होती, इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की होती कि इनकेस अगर कोई भी हमारे पास हादसा होगा तो हमने वो क्या करना है, रिपोर्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको इस चीज़ के बारे में कोई आगाही नहीं होती वहाँ पे। दूसरा है हमारे पास नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस। एक ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है या एक फ्लॉ है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उन्होंने अपना रिपोर्टिंग का सिस्टम ही नहीं बनाया होता कि आया हमें किसी चीज़ को रिपोर्ट करना भी है कि नहीं। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया ही नहीं है तो उसके वर्कर्स किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर अगर वहाँ पे रिपोर्टिंग का सिस्टम मौजूद है तो ओवरली कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मुश्किल है कि वर्कर्स की समझ में नहीं आता, एक्सेसिव पेपर वर्क है, 10 किस्म के उन्हें जो है पेपर वर्क करना पड़ता है, टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, पूरा पूरा दिन उनका वेस्ट हो जाता है वहाँ पे। फिर ब्लेम कल्चर भी वहाँ पे है, वर्कर्स से भी डरते हैं कि अगर हमें जाकर रिपोर्ट किया तो पॉसिबल है कि मामला हमारे सर पर उलट के आ जाए, हमें बोले कि भाई आप इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें बचने के लिए। फिर दूसरी चीज़ अपैथी, अपैथी का वर्ड निकला है जी सिंपथी से, हमदर्दगी में।
किसी दोस्त से कोई हादसा हो जाता है तो दोस्त की वजह से दोस्ती यारी में जो है उसको छुपा लिए, ठीक है भाई नहीं करते, ठीक है लगे रहो, सही है, इस तरह का मामला वहाँ पे हो सकता है। फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, वर्कर्स के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, उनको उसके बारे में आगाही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे हमारे पास क्या है, सारे बैरियर्स हैं जिन बैरियर्स की वजह से हमारे पास इंसिडेंट्स और जो है वहाँ पे प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं हो रहे होते। अब जब हम मैंने बात की, हमने कहा कि भाई कि हादसा दो तरह से रिपोर्ट होते हैं हमेशा, वो इंटरनली भी रिपोर्ट होते हैं और एक्सटर्नली भी होते हैं जब भी कोई भी इशू होता है। अब वो डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ द केस के ऊपर कि सिवियरिटी क्या है वहाँ पे उस इंसिडेंट की, उस एक्सीडेंट की। अगर तो उसकी जो है जनरल जो एक्सीडेंट्स होते हैं जो जो है लॉ के अकॉर्डिंगली आपको एक्सटर्नल रिपोर्ट नहीं करने, तो वो फिर इंटरनली हम किन किन को रिपोर्ट करते हैं। इवन जो एक्सटर्नल रिपोर्टेशन के एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी पहले इंटरनली रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद वो एक्सटर्नली रिपोर्ट होते हैं। तो इंटरनली जाहिर सी बात है डायरेक्टर को रिपोर्ट होंगे, डायरेक्टर को तो सबसे आखिर में जाएगी कि बात जाएगी उसमें, क्योंकि वो तो हायर अथॉरिटी है, पहले लोअर अथॉरिटीज के पास जाएगी, सीनियर मैनेजर्स के पास को रिपोर्ट किया जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एचआर मैनेजर जो आपको होगा उसको रिपोर्ट किया जा सकता है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल एडवाइजर्स हैं वहाँ पे उन्हें रिपोर्ट किया जा सकता है, वर्कर्स सिंपली अपने वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं हम किसी को भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सटर्नली बात करते हैं हम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले जो किसी भी हादसा होता है उसके लिए जो है वहाँ पे उसकी फैमिली ऑफ द कैजुअल्टी को रिपोर्ट किया जाता है, उस बंदे को रिपोर्ट किया जाता है जिस बंदे के जो है लाहकीन जो होते हैं उसके जो उसके जो है घर वाले उनको पहले रिपोर्ट किया जाता है। फिर एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ उसमें जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ सकती हैं उन्हें रिपोर्ट किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज को किया जाता है क्योंकि वो आकर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी तभी आपका इंश्योरेंस क्लेम होगा, पब्लिक रिलेशन एडवाइजर्स ह्यूमन राइट्स वगैरह वाले इन दूसरे से जो अदारे होंगे उस मुल्क के उनको रिपोर्ट किया जाता है। तो वो होता है डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ द केस के ऊपर, अगर कोई बहुत बड़ा सिवियर केस आ गया जिसमें कोई मल्टीपल कैजुअलिटीज हो गई हैं, किसी को डिसेबिलिटी का सामना है, कोई मौत वाकई होगी किसी वर्कर्स की, तो इस तरह के अगर केसेज हैं तो उन सूरतों में हम क्या करते हैं उन्हें फिर एक्सटर्नली रिपोर्ट करते हैं। अब इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एक्सीडेंट बुक के लिए मिनिमम क्राइटेरिया की बात करते हैं। हमने ये बात तो की कि जब भी कोई हादसा होगा तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा। अब हादसा जब रिपोर्ट होगा तो रिपोर्ट होने के साथ ही वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा क्योंकि उसको रिकॉर्ड करना है। अब जब डॉक्यूमेंट किया जा रहा होगा किसी भी हादसे को, किसी भी इंसिडेंट को जनरली जब किया जा रहा होगा रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा होगा, तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए मिनिमम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे नोट डाउन करते हैं, मिनिमम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने पास लिखते हैं उसके लिए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नेम एंड एड्रेस ऑफ अ कैजुअल्टी, जिस बंदे के साथ हादसा पेश आया है उसका एड्रेस और वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं वहाँ पे कि कहाँ से वो बिलोंग करता है, किस डिपार्टमेंट का है, वो सारी चीज़ें, डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट कि कहाँ पे किस किस वक्त जो है वहाँ पे हादसा रोनमा हुआ है और किस तारीख को रोनमा हुआ है, ये हम वहाँ पे एक्सीडेंट बुक के अंदर नोट करते हैं। लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, मिसाल के तौर पे एक वर्कर की ड्यूटी है ऑफिस के अंदर और उसके साथ हादसा होता है वहाँ पे आपकी वर्क फील्ड के अंदर, अब वह वहाँ पे क्या कर रहा था, वहाँ पे उसका क्या काम था, तो आप पर इन्वेस्टिगेट करेंगे जब मामले को तो आपको उस चीज़ की प्रॉपर समझ आएगी। वहाँ पे डिटेल ऑफ इंजरीज कि किन किन इंजरीज का सामना करना पड़ा है उसे, अब उसकी पूरी डिटेल लिखेंगी, अब उसके अकॉर्डिंगली क्या ट्रीटमेंट दिया है, इवन अगर आपने फर्स्ट एड भी उसे दिया है तो आप वो भी नोट करेंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंगली उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया गया है, या मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपने दिया है तो उसकी भी आप डिटेल लिखेंगे वहाँ पे। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट काजिंग इंजरी, अब उस पूरे हादसे की जो है आप रुदात लिखेंगे कि भाई हादसा रोनमा कैसे हुआ है, उसकी पूरी की पूरी रुदात जो होगी उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी इवेंट की, जो उसके अंदर इन्वॉल्व सर्कमस्टांसेस होंगे, जो इन्वॉल्व इक्विपमेंट होंगे वहाँ पे, कुछ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है उसमें, जो जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं जिस वजह से हुआ है हादसा, तो वो सारी हम अपने पास क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। विटनेस नेम एंड डिटेल, अगर किसी को आपने इंटरव्यू किया था उसके लिए जो विटनेस थे जो एनी शाहिदीन थे उनकी नेम उनकी डिटेल्स लिखेंगे। फिर लास्ट पे जो कॉम्पिटेंट पर्सन जो उसको इन्वेस्टिगेशन को जो है करके या एक्सीडेंट बुक के अंदर एक्सीडेंट को रिकॉर्ड कर रहा है वो अपनी डिटेल्स लिखेगा और लास्ट में अपना सिग्नेचर करेगा। तो ये आपके हर एक एक्सीडेंट के लिए, चाहे वो नियर मिस हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो डेंजर सर्कस हो, तो हर चीज़ के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि हर एक उसके लिए ये मिनिमम डिटेल अपने पास क्या की जाती है नोट डाउन की जाती है। फिर उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल रिपोर्टेड इवेंट। अब एक्सटर्नली रिपोर्टेड इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, सम इंसिडेंट्स नीड टू बी रिपोर्टेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय लॉ, हम कानून के अकॉर्डिंगली उसके लिए बाउंड है कि ऑब्लिगेटरी है कि आपने इनको क्या करना है एक्सटर्नली रिपोर्ट करना है। फैटलिटीज कोई हो जाती हैं, अमवात हो जा सकती हैं, मेजर इंजरी आ जाती हैं, डेंजरस अक्रेस होती हैं, कोई डिजीज स्प्रेड होता है, लॉस्ट टाइम इंजरीज होती हैं, तो जनरली जो मैंने पहले भी आपसे बात की तो वही सारी इसमें कवर हो रही है कि ये वो चीज़ें हैं जिनको हम एक ऑर्गेनाइजेशन बाउंड होती है कि इन चीज़ों को एक्सटर्नली बाय लॉ उसने क्या करना है, एक्सटर्नल अथॉरिटीज को जाकर उसने क्या करना है से रिपोर्ट करना है।
आज का टॉपिक हमारा सिंपल सा टॉपिक था। बेसिकली ये प्रोलॉन्ग कर रहा था हमारे प्रीवियस टॉपिक को, इन्वेस्टिगेशन वाले को। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बेसिकली बेंचमार्क है ये कि रिपोर्टेशन एंड रिकॉर्डिंग, कि जब भी हम किसी मसले को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट होने के बाद रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड में जाने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इसके लिए जो है हमने क्राइटेरिया हमने देखा कि किन हादसा को हम इंटरनली रिपोर्ट करेंगे और किसको हम एक्सटर्नली रिपोर्ट करेंगे, और ड्यूरिंग रिपोर्टेशन मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कि मिनिमम हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके लिए क्या करनी होती है, नोट डाउन करनी होती है अपने पास, हमने उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे उसको लेके चलना होता है। होपफुली आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।